नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पीवी सीरीज तरीका मेरा फायदा आपका। इस वीडियो में सूर्यवंशी की बॉक्स ऑफिस रिपोर्ट देखेंगे। तो देखिए, सूर्यवंशी जो कि 5 नवंबर 2021 दिवाली के मौके पे आपके नज़दीकी छवि गृह में प्रदर्शित हुई थी और अब फिल्म ने लगभग 4 दिन हो चुके हैं रिलीज़ हुए। तो इस फिल्म के वीकेंड कलेक्शन की बात करेंगे। तो जैसा उम्मीद लगाया जा रहा था कि फिल्म अच्छा बिजनेस करेगी बॉक्स ऑफिस पे, तो फिल्म ने दर्शकों को बिल्कुल भी निराश नहीं किया। हालांकि 19 महीने बाद फिल्म आई है, जैसा कि मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया कि ये फिल्म जो है 24 मार्च 2020 को ही आने वाली थी, लेकिन कोरोना और लॉकडाउन की वजह से फिल्म की रिलीज़ डेट आगे बढ़ते बढ़ते अब ये फाइनली 2021 में रिलीज़ हुई है। तो आइए बात करते हैं इस फिल्म के बॉक्स ऑफिस कलेक्शंस की। तो देखिए, फिल्म ने पहले दिन जो है इसकी बम्पर ओपनिंग लगी और फिल्म ने पहले दिन 26.29 करोड़ की का कारोबार किया। पूरे इंडिया में ही बात कर रहे हैं। यहाँ पर एक बात बतानी ज़रूरी हो जाती है कि अभी भी कुछ स्टेट्स में सिनेमा हॉल्स खुले हैं, कुछ स्टेट्स में नहीं खुले हैं। हालांकि लगभग सब स्टेट्स में सिनेमा हॉल खुल चुके हैं, लेकिन 100% ऑक्यूपेंसीज के साथ कुछ स्टेट्स नहीं अलाउ किया है। जैसे बिहार वगैरह की अगर हम बात करें तो बिहार में अभी भी सिनेमा हॉल 50% ऑक्यूपेंसीज के साथ ही खुले हैं। तो उस हिसाब से 26.29 करोड़ अपने आप में एक कलेक्शन मायने रखता है। अगर 100% ऑक्यूपेंसीज के साथ सिनेमास खुले रहते तो ये कलेक्शंस थोड़ा और भी बढ़ सकता था, लेकिन अपेक्षाकृत अभी भी कोविड का डर है लोगों में, तो ये कलेक्शंस उम्मीदों पर खड़े उतरते दिखते हैं। तो पहले दिन फिल्म ने 26.29 करोड़ का बिजनेस किया और फिर दूसरे दिन की अगर हम बात करें तो कलेक्शंस थोड़े से गिरे, 23.85, लेकिन ज़्यादा नहीं गिरे। और फिर तीसरे दिन की बात करें यानी कि संडे का, जो कि एक हॉलीडे होता है, तो उस दिन जो है फिल्म ने 26.94 करोड़, मतलब लगभग 27 करोड़ का फिल्म ने बिजनेस किया। और अगर हम सम टोटल करते हैं तो कुल मिला के ये होता है 77.08 करोड़। और अभी मंडे का कलेक्शंस है बचा हुआ है। और एक बात और बता दूं कि फिल्म के पॉजिटिव एस्पेक्ट्स की अगर हम बात करें तो नेक्स्ट फ्राइडे को कोई भी फिल्म रिलीज़ नहीं हो रही है, तो इसका अल्टीमेटली फ़ायदा सूर्यवंशी को मिलेगा। हालांकि बॉक्स ऑफिस की अगर हम बात करें तो इटर्नल्स भी है, लेकिन वो एक हॉलीवुड फिल्म है, तो दोनों के दर्शक तो बटे ही हुए रहते हैं, तो इसलिए फिल्म को कोई खास इफेक्ट नहीं पड़ेगा। और जो मेजर रिलीज़ है इस महीने की, वो है 19 नवंबर को, जो कि बंटी और बबली 2 आ रहा है, जिसमें सैफ अली खान, रानी मुखर्जी हैं। और फिर 26 नवंबर को सत्यमेव जयते 2 और अंतिम दोनों एक ही साथ रिलीज़ होगा। तो कुल मिला के ये 3 फिल्में हैं जो आने वाले वीक में आपको देखने को मिलेंगी, लेकिन तब भी तब तक सूर्यवंशी अपने कॉस्ट को अच्छे से रिकवर कर लेगी और फिल्म हो सकता है 2021 की हाईएस्ट ग्रॉसर बनकर दिखाए। तो गाइज, अगर आपने सूर्यवंशी अभी तक नहीं देखी है तो आप ज़रूर सूर्यवंशी अपने नज़दीकी छवि गृहों में जाकर देखें, और अगर आपने फिल्म देखी है तो आप ज़रूर बताएं कि आपको फिल्म कैसी लगी। तो मिलते हैं बहुत जल्द एक नई वीडियो के साथ। और अगर आपने पीवी सीरीज़ चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस वीडियो को देखने के तुरंत बाद ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। तो मिलेंगे बहुत जल्द एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए पीवी सीरीज तरीका मेरा फायदा आपका। धन्यवाद, लव यू।